हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम ऑफिशियल चैनल। दोस्तों ये है वीवो वाई 71। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है कि सब बूफर लगाने के बाद कस्टमर के फ़ोन ऑन होने के बाद में फिर कुछ ही सेकंड में ये बंद हो जाता है। एक बीप साउंड भी आती है, हालांकि मैंने साउंड को म्यूट करके रखा है, बट बीप साउंड आता है, बंद हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं बंद हो गया। मैं फिर से इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। और ये बैटरी के साथ लगा हो या डीसी के साथ, तो भी दोनों ही कंडीशन में बंद हो रहा है। ये कब जाती है मैं आपको पूरे इस वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेलिंग देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में देखते रहिए। देखिए ऑटोमेटिकली बंद हो गया। सो ये प्रॉब्लम, ये देखिए कुछ सेकंड में बंद हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं इसमें एक रिंगर आईसी है उसको निकाल रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैं रिंगर क्यों निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट ऑडियो क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों रिंगर आईसी का कई बार ये देखा गया है कि रिंगर आईसी के अंडर जो ईएन सिग्नल के जो पैड होते हैं वो शॉर्ट हो जाने की वजह से ये फॉल्ट आते हैं, क्योंकि जैसे ही उसमें किसी भी प्रकार का एक इनेबल वोल्टेज सिग्नल आता है, तो अगर वो शॉर्ट हो तो वो फ़ोन को उसी समय अब बंद कर देता है। तो मैं सबसे पहले एक बार रिंगर निकाल के बाद चेक कर लेता हूँ, और कि ये फ़ोन रिंगर निकालने के बाद में कहीं अगर ठीक होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो फिर मैं नया रिंगर लगा दूंगा। और पहले पैड, और मैंने ना इसके लिए पैड लाइन भी चेक कर ली। अगर पैड लाइन से दिक्कत भी हो सकती है, और ये दिक्कत आपके आईसी से भी हो सकती है। तो देखिए मैंने रिंगर निकाल दी है, अब मैं वापस इसको चेक कर रहा हूँ कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि किससे हुआ था, वीडियो में बने रहिएगा। सो देखिए वापस बंद हो गया, इसका मतलब ये रिंगर से नहीं है। तो दोस्तों ये होता है क्या है कि सब बूफर लगाने के बाद जनरली क्या होता है, ऑडियो आईसी हमारा ख़राब हो जाता है, और ऑडियो आईसी यहाँ पर आपके मेन पावर में दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन पावर एक ब्लैक पेस्टेड लगा है, जो कि है PM8937, और ये वीवो का सेट है। यहाँ पर ज़्यादा हीट देने से इसके पीछे जो ब्लैक पेस्टेड इसके आईसी होती है वो भी ख़राब हो सकती है, और कस्टमर का सेट डेड हो सकता है। तो अगर आपको ये काम आता है तो ही करें, अगर आपको नहीं आता है तो कस्टमर के सेट पर किसी प्रकार की ऐसी खराबी मत लाएं। दोस्तों पहले काम सीखे आप हमारे पास आइए एसर टेलीकॉम, हम आपको ब्लैक पेस्टेड निकालना इतना आसानी से, इतना क्लियर तरीके से बताएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि आप ये कर पाएंगे। और सच बताइए, अगर हमें आपको देखना है, अगर आपको हमारा आउटपुट देखना है, तो आप हमारे फेसबुक पे आइए और फेसबुक में सर्च कीजिए एसर टेलीकॉम। आप अपने फेसबुक चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए एसर टेलीकॉम, वहाँ पे लाइव वीडियो देखिए स्टूडेंट के काम करते हुए डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि एक भी दिन स्किप किया हो, डेली लाइव वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। इवन आप अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी जाइए और सर्च कीजिए, आपको आज का भी कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप हमारी लैब देख सकते हैं, हमारा क्लासेस, हमारा पढ़ाने का तरीका और स्टूडेंट का आउटपुट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जगह जगह से आते हैं। तो ये ब्लैक पेस्टेड आईसी है, और आप जानते हैं कि वीवो के ब्लैक पेस्टेड काफ़ी हार्ड होते हैं, और ये PM है 8937 मेन ऑडियो प्लस पावर। सो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे दोस्तों, और हमने आईसी परचेज करके रखी हुई है। आप इसको दूसरे बोर्ड से भी निकाल के लगा सकते हैं, बट मेरे पास है तो मैं इसको दूसरे बोर्ड से निकालूंगा। अभी मैं जो सरफेस लेयर पे जो ग्लू लगाया उसको क्लीन कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैड निकल जाने के वक्त हमें यहाँ पे माइक्रो जंपरिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, माइक्रो जंपरिंग, और ये भी कि A to Z ऑडियो का काम हो, या किसी प्रकार की ग्राफिक्स की सप्लाई, लाइट की सप्लाई, और एक हाई लेवल पे वर्क, जिसको हम EMC प्रोग्रामिंग लेवल पे वर्क कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कोई किसी प्रकार का आश्वासन या ये नहीं कि दिया जाता कम फीस ये वो और कम टाइम में। हमारा स्लॉट 1 महीने का होता है, 10 दिन में ये कोर्स नहीं सीखा जा सकता। और ना ही मैं ये कहता हूँ, देखिए आपको अगर आप कितने भी लेवल पे क्यों ना हो, आप 0 लो या आधे हो, मुझे ये लगता है कि अगर एसर टेलीकॉम को ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल 0 लेवल पे आइए, क्योंकि आपको जो मिलेगा वो प्रो लेवल पे मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो ऑडियो आईसी है, जो कि मेन पावर है, उसको हमने यहाँ लगा दिया है। और जब हम यहाँ पर उसको फाइनल टच करते हैं और हम इसको लगा देते हैं, तब हम इसको बोर्ड में लगा के हम इसको चेक करेंगे कि अब ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो गया कि नहीं गया। और ये मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको एंडलेस सीखने, मैं आपको फ्रिक्वेंसी तक बताऊंगा DSO से कि कहाँ पर किस पैड पर आपको चेक करके पता करनी पड़ेगी कि आईसी उतारनी है कि भी नहीं, कि डायरेक्ट CPU पे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसर टेलीकॉम आके पता चलेगी। दोस्तों ऐसे ही बने रहें चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर कर दें, क्योंकि सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो से मिला हुआ है, और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे वीडियो लिस्ट में जाके आप निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर जनरली कनेक्टर्स में क्या होता है कि आप जा सकते हैं, ये टेप लगे होते हैं, ये पेस्टेड जिसमें जो कनेक्टर्स के आसपास ढके रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि इन पर है ना कनेक्टर्स का सही तरीके से लग नहीं पाते। तो इसलिए मैंने इनकी जो ऊपर की ये टेपिंग है ये हटा रहा हूँ और उसके बाद में अब कनेक्टर को लगा रहा हूँ। तो देखिए मेरा फ़ोन चालू हो चुका है और अब मैं ये देखना चाह रहा, अब हम देखेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो निकला कि नहीं निकला। दोस्तों एसी टेलीकॉम ज्वाइन करना है तो देखिए हमारा फ़ोन अभी चालू है, बंद नहीं हुआ, और आप देख सकते हैं कि फ़ोन अभी हमारा टच करने पर भी बंद नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशंस वो निकल आया है और 100% हमने जो पावर एसी को चेंज किया था उससे हमारा आउटपुट बन गया है। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो दिए गए समय पर कॉल करें। नीचे लिंक सारी दी गई हैं, फेसबुक में जाके देख सकते हैं, अबाउट पेज में दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताया गया है। और ज्वाइन करें इसे टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच।